वक्त हिंदुस्तान की एक ऐसी मशहूर और मारूफ शायरा जिसने निसाई लहजे की तर्जुमानी में घर आंगन के मसाइल, सियासत की करम फरमाइयां, समाज की नाहमवारियां, रिश्तों के टूटने बिखरने के वाकयात, दिल की हिकायतें, दिल्ली की शिकायतें, इन तमाम मौजूआत को बड़े सलीके से अपने कलाम का हिस्सा बनाया है। एहदे हाजिर में बहुत मकबूल, बहुत मशहूर और मारूफ और बहुत ही मुमताज शायरा मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा माइक पर। इसरार भाई, आपकी नज़्म ये शेर, तेरी बस्ती का हर एक मंजर सुहाना कर दिया, मैंने खुशबू को तेरी जानिब रवाना कर दिया। जोरदार इस्तकबाल कीजिए मोहतरमा शबीना अदीब। बहुत शुक्रिया। फाका ज़दा है शुक्र मगर कर रहे हैं हम। बहुत शुक्रिया। इंटरनेशनल है माशाल्लाह, तो आपको तो लगेगा ही। बहरहाल फिर भी कोशिश करती हूँ। फाका ज़दा है शुक्र मगर कर रहे हैं हम, अपनी दुआ में पैदा असर कर रहे हैं हम, अपनी दुआ में पैदा असर कर रहे हैं हम। रास्ते में मुश्किलों के अंधेरे न आएंगे, रास्ते में मुश्किलों के अंधेरे न आएंगे, कुरान की रोशनी में सफर कर रहे हैं हम, कुरान की रोशनी में सफर कर रहे हैं हम, कुरान की रोशनी में सफर कर रहे हैं। अच्छा लगा कि आपने मेरा हौसला बढ़ाया, हौसला अफजाई की। मैं भी चाहती हूँ कि हौसले से आपकी खिदमत में अशआर पढ़ूं। सुने, पेश करती हूँ चार मिसरे ये भी कि जमाने में वही तो आन वाले शान वाले हैं, जमाने में वही तो आन वाले शान वाले हैं, जो हैं सच्चाई के रास्ते पे जो कुरान वाले हैं, जो हैं सच्चाई के रास्ते पे जो कुरान वाले हैं, किसी जालिम के कदमों पर सर अपना खम नहीं करते, किसी जालिम के कदमों पर सर अपना खम नहीं करते, खुदा के सामने झुकते हैं जो ईमान वाले हैं, खुदा के सामने झुकते हैं जो ईमान वाले हैं। और आइए, अभी आपने बहुत सारी बिहार पे शायरी सुनी, मैं भी चाहती हूँ कुछ वो सुनाऊँ, उसके बाद कुछ अपनी मर्जी से आपकी खिदमत में पेश करूँ। जिस वक्त बिहार के नतीजे हमारे सामने आए, बिहार की जीत सिर्फ बिहार की जीत नहीं थी बल्कि पूरे हिंदुस्तान की जीत साबित हुई। अगर मैं भी कुछ सच्चा कह रही हूँ तो उसी अकीदत और मोहब्बत से मुझे भी सुन लेंगे तो बड़ा आपका करम होगा। ये मिसरे मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ, सुने। दुनिया को अपनी शान दिखा दी बिहार ने, दुनिया को अपनी शान दिखा दी बिहार ने, कश्ती अदावतों की जला दी बिहार ने, कश्ती अदावतों की जला दी बिहार ने, धोखे से एक जीत हुई थी जिसे नसीब, धोखे से एक जीत हुई थी जिसे नसीब, उस सुरमा को धूल चटा दी बिहार ने, उस सुरमा को धूल चटा दी बिहार ने, उस सुरमा को धूल चटा दी बिहार ने। और ये भी चार मिसरे मुलाहजा कीजिएगा, देखिएगा, मैं पेश करती हूँ। सुनहरे ख्वाब दिखाने में खूब माहिर है, सुनहरे ख्वाब दिखाने आपकी दुआएं चाहती हूँ, पेश करती हूँ। सुनहरे ख्वाब दिखाने में
खूब माहिर है। आप पहुंचेंगे, मैं आपको पहुंचाती हूँ। वो बेवकूफ बनाने में खूब माहिर है, सुनहरे ख्वाब दिखाने में खूब माहिर है। वो बेवकूफ बनाने में खूब माहिर है। वतन चलाना तो उस आदमी के बस का नहीं, वतन चलाना तो उस आदमी के बस का नहीं, मगर जबान चलाने में खूब माहिर है, मगर जबान चलाने में खूब माहिर है, मगर जबान चलाने में खूब माहिर है। बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप बारह मुझे सुनते रहते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि मैं बहुत कुछ सुनाऊं, लेकिन आप इतने खामोश हो गए हैं तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं गजल ना पढ़ के बल्कि कोई लोरी ओरी आपको सुना रही हूँ, जो आप सो से गए हैं। थोड़ा सा जागने की कोशिश करें ताकि मैं कुछ सुनाऊं। जी मैं, मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा। अरे वाह वाह, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर शायरी के कदरदान बैठे हैं तो मुझे आपको वाकई शायरी आपकी खिदमत में पेश करनी चाहिए। आइए, मैं बिल्कुल ये सब पढ़ूंगी, आपका हुक्म मेरे लिए सर आंखों पे। आप इतनी मोहब्बत से अपनी बहन को सुन रहे हैं तो इससे बड़ी एक बहन की खुशनसीबी और क्या हो सकती है। बहुत शुक्रिया, मुलाहजा कीजिएगा, देखिएगा, बहुत अच्छा लग रहा है, यकीन जानिए। मैं चार मिसरे सबसे पहले पेश करना चाहूंगी, उसके बाद वो गजल सुनाती हूँ, सुने। इश्क भी लोग तिजारत की तरह करते हैं, जाग जाइए पूरी तरह से। इश्क भी लोग तिजारत की तरह करते हैं, हम यही काम इबादत की तरह करते हैं, हम यही काम इबादत की तरह करते हैं। जिनको दौलत से ज्यादा नहीं प्यारा कुछ भी, जिनको दौलत से ज्यादा नहीं प्यारा कुछ भी, वो मोहब्बत भी सियासत की तरह करते हैं, वो मोहब्बत भी सियासत की तरह करते हैं। बहुत शुक्रिया। कुछ मोहतरम चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं जिन्होंने मुझे गजल के लिए हुक्म दिया है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनके हुक्म जी बिल्कुल पेश करती हूँ। चार मिसरे ये भी मुलाहजा कीजिएगा, देखिएगा, मेरे पसंदीदा ये चार मिसरे, आपकी शिरकत, आपकी दुआ चाहती हूँ। मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी, मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी, मेरे होठों पे शिकायत भी नहीं आएगी, सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी, सामने सबके हकीकत भी नहीं आएगी। बस मुझे बेवफा कह दीजिए मर जाऊंगी, बस मुझे बेवफा कह दीजिए मर जाऊंगी, आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी। बस मुझे बेवफा कह दीजिए मर जाऊंगी, बस मुझे बेवफा कह दीजिए मर जाऊंगी, आप पर कत्ल की तोहमत भी नहीं आएगी। और इधर से ये पर्चा आया है जी, एक मतला और एक शेर के लिए इन भाइयों का हुक्म है, आप सबकी शिरकत चाहती हूँ। मेरे बड़े मशहूर ये मिसरे भी हैं, ये मतला भी है, मैं शिरकत चाहती हूँ। बस ऐसा महसूस कराइए कि आप पहली मर्तबा इस मतले को और इन शेर को सुन रहे हैं। सुने कि हमें बना के तुम अपनी चाहत खुशी को दिल के करीब कर लो, हमें बना के तुम अपनी चाहत खुशी को दिल के करीब कर लो, तुम्हें हम अपना नसीब कर ले, हमें
नसीब कर लो हमें बना के तुम अपनी चाहत खुशी को दिल के करीब कर लो। एक शेर सुनाना चाहती हूँ, काबिले कदर ये समाते तशरीफ फरमा है, ये शेर बड़ा मशहूर हुआ, मैं आपकी दुआ चाहती हूँ। डाइस पर हमारे जितने शोरा हैं, मेहमानान हैं, उनकी शिरकत और उनकी दुआएं चाहती हूँ। शेर पढ़ती हूँ। गरीब लोगों की उम्र भर की गरीबी मिट जाए ऐ अमीरों, गरीब लोगों की उम्र भर की गरीबी मिट जाए ऐ अमीरों, बस एक दिन के लिए अगर तुम जरा सा खुद को गरीब कर लो हमें बना के। बहुत शुक्रिया। हमें बना के तुम अपनी खुशी को दिल के करीब कर लो। और एक गजल के दो तीन शेर और पढ़ती हूँ, मैं अपनी मर्जी से नहीं पढ़ूंगी बल्कि जो मेरे पास स्लिप आई है मैं वही पढ़ूंगी। चंद अशार पेश करती हूँ, मुलाहजा कीजिएगा, लेकिन एक दो शेर मैं अपनी मर्जी से भी पढ़ना चाहूंगी आपसे, उसके लिए इजाजत मांगती हूँ। कि मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी दुआएं दे दे दवा से पहले, मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी दुआएं दे दे पर दवा से जाकर सुनेंगे तो मुझ में हौसला पैदा होगा। शुक्रिया। मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी दुआएं दे दे दवा से पहले, हयात में नूर बन के आ जा गमों की काली घटा से पहले, मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी दुआएं दे दे दवा से पहले। शेर पढ़ती हूँ आपका हुक्म। वो बेवफा हो गया है फिर भी क्या कहना, उसी की यादों में गुम रहूंगी, वो बेवफा हो गया है फिर भी उसी की यादों में गुम रहूंगी, ये कैसे भूलूं कि उसने मुझसे वफा भी की है जफा से पहले। मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी दुआएं दे दे दवा से पहले। मैं सलाम करती हूँ जिस अकीदत से आप सुन रहे हैं, लेकिन सो जाते हैं तो बड़ा दुख होता है कि इस कौम को इस वक्त जागने का वक्त है और हमारी कौम इस वक्त सो रही है। मैं बहुत छोटी हूँ तो इसलिए चाहती हूँ कि थोड़ी सी मुझे दुआएं और नसीब हों आप सबकी। मैं शेर पेश करती हूँ। जो चाहते हैं मदद सभी से, अब ऐसा भी ना लगे कि आप चुनाव में खड़े हुए हैं, आप मुशायरे में बैठे, बस ऐसा लगे। बहुत शुक्रिया। जो चाहते हैं मदद सभी से जलील होते हैं वो जहां में, जो चाहते हैं मदद सभी से जलील होते हैं वो जहां में, नवाज होती है उन्हीं को दुनिया जो मांगते हैं खुदा से पहले। बहुत शुक्रिया। क्या कहना क्या कहना। मैं जी उठूंगी दुआएं दे दे दवा से पहले। शेर पढ़ती हूँ और इस शेर को पढ़ना मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ, मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमा है उनकी दुआ चाहती हूँ। शेर पढ़ती हूँ। वतन बचाने का वक्त है ये, मकान बचाने की फिक्र छोड़ो। वाह वाह। वतन बचाने, वतन बचाने का वक्त है ये, मकान बचाने की फिक्र छोड़ो, मेरे भी हाथों में दे दो परचम मेरे बुजुर्गों हिना से पहले। मेरे मसीहा मैं जी उठूंगी दुआएं दे दे दवा से पहले, और खताएं मुझसे, मेरा मिजाज आपका मिजाज और ये शेर, खताएं मुझसे हुई है लेकिन मुझे यकीन है तू बख्श देगा। खताएं मुझसे हुई है लेकिन मुझे यकीन है तू बख्श देगा, मैं हश्र के दिन
सजा से पहले। मोहतरमा शबीना अदीब साहिबा अपना कलाम पेश करके रुखसत हुई।